धोनी ने अपने जिन बिजनेस पार्टनर पर 15 करोड़ का फ्रॉड लगाया था गाइस, उन्हीं दो बिजनेस पार्टनर ने धोनी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। ये बात है 2017 की, जब मिहिर दिवाकर और सोनिया दास ने धोनी को बताया कि वो धोनी के नाम से क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते हैं और इसके बदले धोनी को मुनाफे की हिस्सेदारी भी दी जाएगी। कुछ दिनों बाद कई लोकेशन पर क्रिकेट एकेडमी खुल भी गई, लेकिन धोनी को एक भी रुपया नहीं दिया गया। इसके बाद धोनी ने दिवाकर और दास को 15 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और अंत में धोनी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। कहानी में मोड़ तो तब आया जब क्रिकेट एकेडमी खोलने वाले लोगों ने ही धोनी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्योंकि धोनी उन्हें फ्रॉड बता रहे हैं। इसकी सुनवाई 29 जनवरी को होगी, तभी पता चलेगा कोर्ट डिसीजन क्या देता है।